गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स, दिस इज नरेश शर्मा योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड चैप्टर ऑफ योर सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स। द चैप्टर्स टाइटल इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एज यू ऑल नो, एडवेंचर मीन्स एनी ब्रेव डीड इन्वॉल्विंग रिस्क। कोई भी जोखिम भरा या खतरे भरा जो काम होता है, साहसिक कार्य, जिसे हम कहें एडवेंचर्स कहलाता है। टोटो इज हियर ए बेबी मंकी, बंदर का बच्चा है। हैव यू, दिस इज पेज नंबर 7 इन योर बुक मोमेंट्स, चैप्टर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी पाला है बंदर के बच्चे को एक पालतू जानवर के रूप में? पैट, जनरली पैट वर्ड इज यूज फॉर कीपिंग डॉग और टेमिंग डॉग, बट हियर दिस वर्ड इज यूज फॉर टेमिंग बेबी मंकी टोटो। टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस, चलो पता लगाते हैं कि क्या वो बंदर का बच्चा एक शरारती जानवर है। और डोसाइल, डोसाइल मीन्स इजी टू कंट्रोल, जिस पर आसानी से नियंत्रण किया जा सके। ग्रैंडफादर, लेट मी टेल यू अबाउट ग्रैंडफादर। ही इज अ पर्सन हु स्पेंट हिज लाइफ एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर व्हेन ही वाज इन सर्विस। सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने खरीदा था टोटो नामक बंदर का बच्चा एक तांगा चालक से 5 रुपए का भुगतान करके। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रू द प्लेस इन टोंगा वेयर फॉडर और हे फॉर द एनिमल इज कैप्ट। तो तांगा चालक रखा करता था उस लाल मुंह के बंदर को बांधकर चारा रखने के स्थान पर उसके तांगे में। एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो बंदर इतने आकर्षक तरीके से बाहर की ओर झांक रहा था चारे रखने के स्थान से कि दादाजी ने उसे देखकर ये निश्चय किया कि वो इस छोटे से प्राणी को, बंदर को, जो है अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर के अंदर लेकर जाएंगे। हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट पैराग्राफ? नाउ लेट अस टेक सेकंड पैराग्राफ। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, टोटो एक प्यारा सा बंदर का बच्चा था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर क्लियरली व्हाइट। उसकी चमकीली आंखें चमकती थी और उनमें से शरारती भाव व्यक्त होते थे कि गहरी भावों के नीचे, और उसके दांत जो थे वो मोती के समान जो है पियर, यू नो मोती को कहते हैं पियरली वाइट, यानी कि मोती के समान सफेद चमकते थे उसके दांत। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन हिज स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो वो अपने दांत जो है वो मुस्कुराते हुए प्रदर्शित करता था और ये भयभीत करते थे किसी भी बुजुर्ग आंग्ल भारतीय महिला को भयभीत करने के लिए उसके दांतों को दिखाने की क्रिया मुस्कुराहट के रूप में पर्याप्त थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दैट बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। उसके जो हाथ थे मंदिर के वो एकदम सूखे रूखे जैसे लगते थे, जैसे कि धूप में वो बुरी तरह से झुलस कर गए हों। पिकल का मतलब अचार होता है, या जैसे अचार को
बनाने के रूप में रखा जाता है, तो उसी तरह से यहाँ नियमित रूप से धूप में रहने के कारण उसके हाथ काफी रूखे और सूखे से प्रतीत हो रहे थे। कई वर्षों से वो धूप में से हाथ रखे हुए था। यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, फिर भी उसकी जो पंजे में जो उंगलियां थी वो काफी शीघ्रतापूर्वक उनको प्रयोग में रहता था और काफी दूरता पूर्वक या चालाकी पूर्वक काम वो करता था। एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो उसके शरीर की सुंदरता को बढ़ा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, दादाजी का ऐसा विश्वास था कि एक पूंछ जानवर को और अधिक आकर्षक बनाती है। आल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और ये पूंछ बंदर के द्वारा अपने तीसरे हाथ के रूप में भी काम में ली जाती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग मीन्स लिफ्टिंग अप, उठाना कोई चीज, डेलिकेसी मीन्स डिलीशियस फूड, और वो अपने तीसरे हाथ रूपी पूंछ को जो है पेड़ की शाखाओं से लटकने के लिए, और ये पूंछ उसको इस योग्य बनाती थी कि कोई भी खाने की चीज जो कि उसके हाथों की पहुंच के बाहर थी वो उस पूंछ की मदद से प्राप्त कर सकता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर बॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल, फर्स्ट मीन्स टू पे टू मच अटेंशन और स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो दादी माँ हमेशा छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक ध्यान देती थी। जब कभी दादाजी के द्वारा घर पर कोई नया पक्षी या जानवर लाया जाता था, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टॉटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए दादाजी द्वारा यह निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति को एक रहस्य के रूप में रखा जाए जब तक कि दादी माँ अपने अच्छे स्वभाव में अच्छे मिजाज में ना हो। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली। तो दादाजी और लेखक ने यानी कि नरेटर ने उस बंदर को एक छोटे से कमरे के क्लोजेट मीन्स स्मॉल रूम रखा जिसका एक दरवाजा बेडरूम की दीवार की तरफ खुलता था। वहां पर उस बंदर को सुरक्षित रूप से बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू ए पैक फास्टन इन टू द वॉल, और ऐसा दादाजी और नरेटर ने सोचा कि इस बंदर को बांध दिया जाए एक खूंटी के ऊपर जो कि दीवार के अंदर लगी हुई थी। पैक मीन्स खूंटी, जनरली वी हैंग क्लोथ ओवर पैक। ए फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटों बाद जब दादाजी और नरेटर माउस कमरे में पहुंचे टोटो को उस खूंटी से खोलने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो दादाजी और नरेटर ने इस बात को पाया कि वो दीवार जिस पर खूंटी लगी हुई थी और जिसको दादाजी के द्वारा चुने गए एक सजाने वाले वॉल पेपर के द्वारा ढका गया था दीवार को, वो अब बिल्कुल वॉलपेपर मंदिर के द्वारा फाड़ दिया गया था और उस दीवार से जो है ईंटें झांक रही थी क्योंकि उसका प्लास्टर मंदिर के द्वारा अपने पंजों से खुरेद कर हटा दिया गया था। द पैक इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, रेंज मीन्स टू पुल आउट। तो वो खूंटी जो दीवार के अंदर लगी हुई थी उसको खींचकर बाहर निकाला
गया था मंदिर के द्वारा उसके सॉकेट के समय. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन शेड्स. और नरेटर का स्कूल ब्लेजर, स्कूल का कोट जो वहां पर लटका हुआ था कुटी पर, दूसरी कुटी पर, उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े बंदर के द्वारा कर दिया गया था. आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से. तो नरेटर को आश्चर्य था कि बंदर की हरकतों को देखकर दादी माँ क्या कहेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. लेकिन दादाजी इस बारे में चिंतित नहीं थे. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस. वो प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे टोटो की इन हरकतों को देखकर. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर. दादाजी ने कहा कि ये बंदर बहुत चतुर है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉक. यदि इसको पर्याप्त समय दिया जाता तो मेरा पूरा विश्वास है, मैं इस बारे में निश्चित हूं कि ये कोट को फाड़कर जो टुकड़े उसने किए थे उनकी एक रस्सी बनाकर. एंड मैड इज एस्केप फ्रॉम द विंडो. तो ये खिड़की के रास्ते इस कमरे से बाहर जा चुका होता यदि उसे पर्याप्त समय मिलता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट. बंदर की उपस्थिति घर में अभी भी एक रहस्य थी. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव वेरी सोशियबली टूगेदर. सोशियबली मीन्स स्पेंडिंग टाइम फ्रेंडली. तो टोटो को अब स्थानांतरित किया गया एक बड़े पिंजरे में जो कि नौकरों के क्वार्टर्स के बीच में था और जहां पर दादाजी के बहुत से पालतू जानवरों को मित्रतापूर्वक माहौल में साथ साथ रखा गया था. ए टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टैम स्क्विरल एंड फॉर ए वाइल माय पेट गॉट. तो वहां पर एक कछुआ, एक जोड़ा खरगोश का, एक पालतू गिलहरी और एक बकरी भी उन्होंने वहां पर रखी हुई थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. लेकिन टोटो ने अपने किसी भी साथी जानवर को रात को सोने नहीं दिया. सो ग्रैंड फादर वर टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. इसलिए दादाजी ने जिनको की रवाना होना था अगले दिन देहरादून अपनी पेंशन लेने जाने के लिए, सॉरी सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जाने के लिए, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप. दुर्भाग्यवश लेखक जो है वो दादाजी के साथ नहीं जा सका इस यात्रा पर. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. लेकिन दादाजी के द्वारा नरेटर को इस यात्रा के बारे में बाद में बताया गया. ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. यू नो कैनवस ए थिक कोर्स क्लोथ ऑफ विच बैग्स आर मेड. तो काले रंग का बड़ा सा कैनवास का बना हुआ थैला जो है वो टोटो के लिए उपलब्ध करवाया गया. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड. अबोड मीन्स होम, घर. तो उस थैले में नीचे तले के अंदर कुछ घास फूस रख दी गई और ये घास फूस रखा हुआ थैला जो है टोटो के लिए नया घर बन गया. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening. जब बैग को उसकी जिप को बंद कर दिया गया तो वहां उसके निकलने की कोई संभावना बंदर की शेष नहीं बची थी. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग. और टोटो उस बैग को खोलकर अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था. एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिम वे थ्रू. और वो कैनवास का बना हुआ बैग
इतना मजबूत था कि वो उसे अपने दांतों से काट कर भी नहीं फाड़ सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. उसके ये प्रयास, उस बैग से बाहर निकलने का जो टोटो प्रयास कर रहा था, उसके कारण बैग जो है इधर उधर लुढ़क रहा था फर्श के ऊपर, और कभी कभी बंदर की ज्यादा उछल कूद के कारण वो हवा में उछलने लगता था बैग. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers. वहां पर बंदर की हरकतें इस तरह से प्रदर्शित हो रही थी कि वो जिज्ञासा से परिपूर्ण वहां पर खड़े हुए लोगों की भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था. ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो लोगों की भीड़ थी वो उस बैग को उछलते हुए देखकर जो है काफी जिज्ञासापूर्ण निगाह से उसकी ओर देख रही थी. टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर की यात्रा तक टोटो उस बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी अपनी टिकट कलेक्टर को दिखा रहे थे चक्री गेट टर्नस्टाइल ए राउंड गेट दैट इज जनरली ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म और इन द पार्क्स, चक्री गेट जिसे बोलते हैं टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ड्रिंक. तो तभी टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को उसने एक चोरी सी मुस्कुराहट अपने दांत दिखाते हुए दी. द पुअर मैन वॉज टेकन अवे. टेकन अवे मीन्स टू बी शॉक्ड, एकदम सदमे की स्थिति में आ जाना. द पुअर मैन वॉज टेकन अवे. तो जैसे ही अचानक बैग से टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला तो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो उसको देखकर एकदम सदमे की अवस्था में आ गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मस्ट टू ग्रैंड फादर अनाउंस, लेकिन तुरंत अपने दिमाग से काम लेते हुए और दादाजी को गुस्सा भी थोड़ा सा आने लगा. ही सेड, ठीक है, उसकी हरकत को देखकर तो टिकट कलेक्टर ने दादाजी से कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, श्रीमान आप अपने साथ कुत्ता लेकर आए हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको रेलवे विभाग के नियमों के अनुसार इस कुत्ते की यात्रा का भुगतान भी करना पड़ेगा. इन वैन मीन्स विदाउट सक्सेस, व्यर्थ में. इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में दादाजी ने जो है बैग से बाहर उस टोटो को निकाला, ये साबित करते हुए कि ये कुत्ता नहीं है, बंदर का बच्चा है. इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और व्यर्थ में दादाजी ने ये साबित करने का प्रयास किया कि एक बंदर को कुत्ते के समान नहीं माना जा सकता. और इवन एज ए क्वार्टर, और यहाँ तक कि जो है एक बंदर को उन्होंने उदाहरण देते हुए ये बात कही कि चौगुना उदाहरण देते हुए बात कही कि इसको एक कुत्ते के रूप में नहीं माना जा सकता या चौपाई के रूप में नहीं. टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो को वर्गीकृत किया गया टिकट कलेक्टर के द्वारा एक कुत्ते के रूप में. एंड 3 रूपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रूपये किराए का भुगतान टिकट कलेक्टर को दादाजी के द्वारा उसके किराए के रूप में किया गया. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पैट टॉर्टोइस. फिर दादाजी अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने उनकी जेब में एक जो पालतू कछुआ उन्होंने रखा हुआ था उसको निकालकर टिकट कलेक्टर को बताया. एंड सेड, और कहा,
व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए किराया लेते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, टिकट कलेक्टर ने उस कछुए की ओर नजदीक जाकर देखा, प्रोटेक्टेड इट विद हिज फोर फिंगर, और अपनी उंगली से उसको थोड़ा स्पर्श करते हुए धकेलते हुए देखा, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रैम्पल्ड लुक, टिकट कलेक्टर ने दादाजी की ओर एक प्रसन्नचित और विजयी निगाहों से देखते हुए कहा, नो चार्ज, इट इज नॉट एट ऑल, इस कछुए का आपको कोई किराया नहीं देना, ये एक कुत्ता नहीं है। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट माय फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी टेकन इन माय सेकंड लेक्चर। थैंक यू ऑल।